मेरे भाई, अगर खुद के मुंह से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या जीवन में कुछ भी बनना होता तो फिर किसी दूसरे, किसी को प्रयास करने की क्षमता की बात ही कहाँ है। लालू जी के पार्टी का, जिसको आप लोग बड़ा दल मानते हैं, आपके जानकारी के लिए बता दूं, आपको रिफ्रेश आपके दिमाग को कर देता हूं, आरजेडी का लोकसभा में 0 MP है, लेकिन वो तय करेंगे कि देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। नीतीश बाबू के 42 विधायक हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए कभी लालटेन पर लटकते हैं, कभी कमल के फूल पर बैठते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जो इंडिया अलायंस इन लोगों ने मिलकर बनाया है, जिसको लेकर इतना हल्ला गुल्ला मचा, उसमें आपको एक संयोजक तो किसी ने बनाया नहीं, और आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। मेरे भाई, ये बिहार में कुछ चाटुकार नेता और कुछ पत्रकार अपने उत्साह में इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। बिहार से बाहर कौन जानता है कि ये कौन है भैया, कौन? आप देश में सबसे बड़ा दल बीजेपी है और विपक्ष में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, तो अगर कोई विपक्ष का चेहरा होगा तो कांग्रेस से होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर कांग्रेस से नहीं होता है तो दूसरा सबसे बड़ा दल तृणमूल है, वहां से होना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा दल डीएमके है, वहां से होना चाहिए। उन सारे दलों को हटाकर कोई नीतीश कुमार को, लालू यादव को क्यों अपना नेता बना लेगा? राजनीतिक क्षमता आप में है नहीं। और अगर प्रशासन के हिसाब से देखें तो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार है। 32 वर्ष से लालू और नीतीश ने जिस राज्य को सबसे गरीब और पिछड़ा बना के रखा है, पूरे देश के लोग कहेंगे कि आइए और महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु को भी आकर बिहार की तरह पिछड़ा और गरीब बना दीजिए। तो ये तो आपकी समझ और जो इस तरह का दावा करते हैं उनके समझ को दिखाता है।